हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर वीना पुरोहित हमने प्लांट ब्रीडिंग या प्राध्यप प्रजनन में लास्ट क्लास में प्रोसीजर के अंदर प्लांट इंट्रोडक्शन पढ़ा था आज हम लेंगे सिलेक्शन कोई भी प्लांट स्पीशीज़ जो डिज़ायरेबल लगती है कंज्यूमर को उसको जब इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो उसे किस तरह से कौन सी स्पीशीज़ को सिलेक्ट करना है इस प्रोसेस के अंदर तीन सिलेक्शंस होते हैं मास सिलेक्शन प्योर लाइन सिलेक्शन और क्लोनल सिलेक्शन मास सिलेक्शन जब खूब सारे प्लांट स्पीशीज़ जो एक ही फिनोटाइप के हों जब उनको सिलेक्ट किया जाए फिनोटाइप मतलब जब एक्सटर्नल अपेयरेंस के बेसिस पर जब प्लांट्स को सिलेक्ट किया जाता है और जब उनके सीड्स को मिक्स किया जाता है और एक नई वैरायटी उत्पन्न की जाती है तो ऐसे सिलेक्शन को हम कहते हैं मास सिलेक्शन जो भी प्लांट्स मास सिलेक्शन में चूज़ किए जाते हैं वो सब उनके अपेयरेंस या उनके फिनोटाइप पर बेस्ड रहते हैं तो सिलेक्शन उन्हीं पर किया जाता है उनके कैरेक्टर्स जो ऑब्जर्वेबल होते हैं या यो जो कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं जैसे प्लांट की हाइट ईयर टाइप ग्रेन का कलर ग्रेन का साइज डिजीज रेजिस्टेंस है या नहीं लॉजिंग रेजिस्टेंस है या नहीं शटरिंग रेजिस्टेंस है या नहीं कभी कभी प्लांट अपनी यिल्ड अच्छी दे रहा है भी नहीं वह भी एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर मास सिलेक्शन के अंदर जो है यह ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सबसे पहले इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल वैराइटीज़ लोकल जो वेराइटीज़ होती हैं उनके अंदर जो है काफ़ी सारे टाइप्स का मिक्सचर होता है जो एक दूसरे से डिफर करता है फ्लावरिंग की मैच्योरिटी टाइम में डिजीज रेजिस्टेंस में प्लांट हाइट एक्सेट्रा तो मास सिलेक्शन के अंदर जो पुअर क्वालिटी के जो प्लांट्स होते हैं हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं और एक यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस देने वाली वैरायटी को हम चूज़ करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्योर लाइन वैराइटीज मेंटेनेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ़ द एग्जिस्टिंग प्योर लाइन वैरायटी इज डन दिस मेथड प्योर लाइन प्योर लाइन मतलब ऐसी वैरायटी जो हमेशा एक समान ही रहे यानी कि उस एक प्लांट जिसके अंदर अलग अलग जनरेशन के अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिखाई दें और उसी वैरायटी को हम कहते हैं प्योर लाइन और जो होमोजाइगस होती है प्योर लाइन वैरायटीज जो हैं वो कभी कभी वेरिएबल हो जाती है ड्यू टू मिक्सचर हाइब्रिडाइजेशन या म्यूटेशन के कारण थ्रू रेगुलर सिलेक्शन द प्योरिटी ऑफ़ द प्योर लाइन वरायटीज इज मटेन लेकिन जब मास सिलेक्शन होता है तो उस मास सिलेक्शन के अंदर से यह कोशिश की जाती है कि प्योर लाइन वराइटीज़ को मेनटेन किया जाए यानी कि जो पेरेंट में था वही ऑफस्प्रिंग में जनरेशन टू जनरेशन कैरी ओवर होता रहे प्रोडक्शन ऑफ न्यू वराइटीज़ फ्राम हैट्रोजिनस लोकल लैंड रेसेस by increasing the frequency of superior genotype the population characters can be changed काफ़ी सारे प्लांट्स को हमने ग्रो किया और उसमें से अगर सुपीरियर फिनोटाइप को चूज़ किया तो हम सारे जो भी प्लांट्स मिल रहे हैं ऐसे प्लांट्स को चूज करेंगे जिसका फिनोटाइप सुपीरियर हो ताकि पूरे पॉपुलेशन का कैरेक्टर चेंज हो जाए दिस चेंज इज़ अ फंक्शन ऑफ हेरिटेबिलिटी एंड नंबर ऑफ जीन्स कंडीशनिंग द ट्रेट अंडर सिलेक्शन ये डिपेंड करता है कि हेरिटेबिलिटी कितनी है और कितना नंबर ऑफ जीन्स में चेंज हो रहा है इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप द इन मस्ट बी अवॉइडेड। इट लीड्स टू लॉस इन विगर एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में हमेशा इन ब्रीडिंग को अवॉइड करना चाहिए इन ब्रीडिंग मतलब ऐसे प्लांट्स के बीच में मेटिंग जो एक कॉमन एंसेस्टर से निकले हुए हैं क्योंकि कॉमन एंसेस्टर्स के बीच में जब मीटिंग होती है तो उससे विगर और जो है वो ख़त्म होने लग जाता है मास सिलेक्शन के अंदर काफ़ी सारे प्लांट्स को सिलेक्ट किया जाता है उनके सीड्स को मिक्स किया जाता है और नेक्स्ट जनरेशन को रेस किया जाता है इसलिए इन ब्रीडिंग को हमेशा अवॉइड करना चाहिए या मिनिमम रखना चाहिए मास सिलेक्शन के अंदर काफ़ी सारे इंडिविजुअल प्लांट्स जिनका फिनोटाइप सुपीरियर हो उनको चूज करते हैं उनके सीड्स को लेते हैं फिर उनको प्लांट्स को ग्रो करते हैं और इन मिक्सचर ऑफ सीड्स को जब हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए ग्रो करते हैं यह प्रोसेस जो है कंटिन्यूस साल भर साल चलता रहता है जब तक कि हमको सभी प्लांट्स के अंदर डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स या एक यूनिफॉर्मिटी नहीं मिल जाती प्रोसीजर फॉर मास सिलेक्शन फर्स्ट ईयर पहले साल के अंदर 200 से 2000 प्लांट्स को हम सिलेक्ट करते हैं उनके फिनोटिपिक करेक्टर्स मतलब उनके एक्सटर्नल अपेयरेंस के बेसिस पर कि उनका विगर अच्छा है या नहीं ग्रेन साइज जिसकी अच्छी है और जिस जो डिजीज रेजिस्टेंट हैं और जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं उन्हीं प्लांट्स को हम जो कंज्यूमर को जिसके अंदर सारी क्वालिटीज़ मिल जाएँ वैसे प्लांट्स को हम चूज़ करते हैं एक मास दो से दो हज़ार प्लांट्स का हम चूज़ करते हैं उनके जो सीड्स हैं उनको हम मिक्स करते हैं सेकेंड ईयर में वो जिन सीड्स होते हैं उनको हम प्रिलिमिनरी ट्रायल के ऊपर उनकी यील्ड को देखते हैं कि उनसे हमको कितना प्लांट्स मिला है फिर जो स्टैंडर्ड वैरायटी स्टैंडर्ड वैरायटी जिसके अंदर के सारे करेक्टर्स मौजूद है उससे उस जो यील्ड मिला है फर्स्ट ईयर का उससे उसको चेक करते हैं कि यह जो स्टैंडर्ड वैरायटी है उससे कितना ऊपर है या कितना नीचे है और उसके अंदर सारे कैरेक्टरस्टिक्स प्रेजेंट है या नहीं और उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं फिर जो प्रीवियस ईयर्स की जो यील्ड है जो प्रीवियस ईयर के जो प्लांट्स थे उनसे जो सीड्स मिलते हैं उनको वापस ग्रो किया जाता है वापस उनको इवैल्यूएट किया जाता है उनकी ईल्ड से और अलग अलग लोकेशंस पे उनको उगाया जाता है लेकिन वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन सेम होनी चाहिए पहले ट्रायल जो रहता है एक साल के लिए रहता है और उसके बाद यह ट्रायल दो या तीन साल तक चलता है जब तक कि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं बन जाती यानी कि तीन से छः साल तक जो सेकेंड ईयर के जो प्लांट्स हमको मिले हैं उनके सीड्स को ग्रो किया जाता है अलग अलग लोकेशंस पर एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में और इनको तीन से लेके दो से तीन साल तक जो है ग्रो करते हैं तब जब तक जब की स्टैंडर्ड वैरायटी जैसे या समान दिखने ना लग जाए अगर रिज़ल्ट सुटेबल रहा और कल्टीवेशन के लिए और परफॉर्मेंस अच्छा है तो उस इन तीन से छः साल के बाद जो प्लांट्स मिले हैं उनके सीड्स को सर्टिफाई किया जाता है सेंट्रल और स्टेट वैरायटी कमेटी के द्वारा अब ये जो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये है कि सबसे पहले एक वेरिएबल पॉपुलेशन से 200 से 2000 प्लांट्स को हम सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर सिमिलर और डिजायरेबल कैरेक्टरस्टिक्स प्रेजेंट हों उनसे जो सीड्स मिलते हैं उनको मिक्स किया जाता है मिक्स्ड सीड्स को प्लांट कर दिया जाता है और उनके साथ स्टैंडर्ड वैरायटी को लगा दिया जाता है चेक करने के लिए कि जो स्टैंडर्ड वैरायटी में करैक्टरस्टिक्स हैं वह इन प्लांट्स के अंदर हैं या नहीं फिर उनके फिनोटाइप को हम देखते हैं फिर सिलेक्शंस को सिलेक्शन करते हैं वेलुएटेड प्लांट्स को फिर अलग अलग लोकेशंस पे हम उनको ग्रो करते हैं अगर परफॉर्मेंस सेटिसफेक्ट्री होता है हर लोकेशन पे, तो जो वैरायटी मिलती है उसको हम एक नई वैरायटी के रूप में रिलीज़ करते हैं उसके सीड्स को मल्टीप्लाई करते हैं उस वैरायटी के और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं मास सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है जब इसको प्रोजेनी टेस्टिंग के साथ कपल कर दिया जाता है तो इसके कारण जो है प्योर लाइन वैराइटीज़ को मेंटेन किया जा सकता है यानी कि जब सेकेंड ईयर में जब इंडिविजुअल प्लांट्स प्रोजेनी को जब हम प्लांट करते हैं और तो हम पुअर परफॉर्मर्स को रिजेक्ट कर देते हैं और सुपीरियर फिनोटाइप जो स्टैंडर्ड वैरायटी की तरह होता है केवल उसी को रखते हैं बाकी सब पुअर वेराइटीज़ को हम रिजेक्ट कर देते हैं मास सिलेक्शन का जो मॉडिफाइड प्रोसीजर है उसका एक स्कीम इस तरह से है कि सिमिलर और सुपीरियर फिनोटाइप्स के कम से कम दो से दो हज़ार प्लांट्स को हम सिलेक्ट करते हैं इन इंडिविजुअल प्लांट्स के सीड्स को हम हार्वेस्ट करते हैं इन हार्वेस्टेड सीड्स को हम एक इंडिविजुअल प्लांट की तरह रो में ग्रो करते हैं या सो करते हैं इनसे इनसे जो हमें इन्फीरियर प्रोजेनिस पात प्राप्त होती है उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं और जो बचे हुए हैं उनके सीड्स को हम सिलेक्ट करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं सीड्स आर यूज फॉर प्रिमिलरी यील्ड ट्रायल्स अलोंग विथ स्टैंडर्ड चेक ये जो सीड्स जो हमको मिले हैं जब इन्फीरियर को हमने हटा दिया और जो सुपीरियर प्लांट्स के सीड्स को जब हमने ग्रो किया तो उनके ग्रो हुए हुए प्लांट्स से हमने उनको स्टैंडर्ड वैराइटीज़ के साथ चेक करा कि ये इनके अंदर जो सुपीरियर फिनोटाइप है या अच्छे करेक्टर्स हैं वह इन प्लांट्स के अंदर हैं या नहीं फिर इन सीड्स को हम अलग अलग लोकेशन पे ग्रो करते हैं और इनके ईल्ड को हम या इस इस्ड का हम परफॉर्मेंस देखते हैं अलग अलग लोकेशन पे से हम सुपीरियर फिनोटाइप्स के प्लांट्स को चूज़ करते हैं और उनको न्यू वैरायटी की तरह रिलीज करते हैं फिर उन सुपीरियर फिनोटाइप्स के सीड्स को फिर मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर प्लांट ब्रीडर को वह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज अ न्यू वैरायटी विच कंटेन्स ऑल द सुपीरियर फिनोटिपिक कैरेक्टर्स एज वेल एज डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स मेरिट्स ऑफ मास सिलेक्शन सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ़ प्लान्ट सिलेक्टेड मास सिलेक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स को सिलेक्ट किया जाता है इसलिए वराइटीज स्टेबल होती है अपने परफॉर्मेंस में अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में और उस कंडीशन को वो अडेप्ट कर सकती है और इन कंपेरिजन टू प्योर लाइन सिलेक्शन इसलिए जो वेराइटीज़ मास uh, सिलेक्शन के द्वारा डेवलप होती है वह ज़्यादा एक्सेप्टेड होती है इन कंपैरिजन टू प्योर लाइन मास सिलेक्शन के अंदर काफ़ी सारा प्रोलोंग फील्ड ट्रायल की ज़रूरत नहीं होती जिसके कारण टाइम और पैसे की बचत हो जाती है और नई वैरायटी रिलीज हो जाती है इसलिए इस हम मेथड को लेस लेबर कंज्यूमिंग भी कहते हैं मास सिलेक्शन के अंदर जो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी रिटेन रहती है तो इसके कारण जो है मास सिलेक्शन ईयर टू ईयर अपनी वैरायटी को इम्प्रूव करता है क्योंकि इसमें ज़्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होती यह मेथड जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स पर भी अप्लाई किया जा सकता है डीमेरिट्स ऑफ मास सिलेक्शन द वैराइटीज डेवलप थ्रू मास सिलेक्शन शो वेरिएशन आर नॉट यूनिफॉर्म एज प्योर लाइन वेराइटीज़ जो वैरायटीज हमको मास सिलेक्शन से डेवलप होती है वो वेरिएशन शो करती है और प्योर लाइन सिलेक्शन की तरह यह यूनिफॉर्म नहीं होती क्योंकि इनके अंदर यूनिफॉर्मिटी um, नहीं होती जिसके कारण इन डिप्रेशन भी हो सकता है व, जो वैरायटी हमको मिलती है मास सिलेक्शन के द्वारा उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वह पुअर होता है इन कंपैरिजन टू प्योर लाइन सिलेक्शन जब मास सिलेक्शन को हम प्रोजेनिक टेस्ट के बिना करते हैं तो होमोजाइगटी जो होती है या प्योर लाइन जो रहती है उसका अश्योरेंस नहीं हो पाता और सेल्फ पॉलिनेटिंग स्पीशीज में देर आर चांसेस फॉर क्रॉस पोलिनेशन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन का चांसेस ज़्यादा हो सकता है कुछ प्लान्टैगस भी हो सकते हैं इन दिस मैथड जेनेटिक सप्योरिटी आइदर मे बी ड्यू टू इनवायॉयमेंट और ड्यू टू चीन प्योर लाइन सिलेक्शन जो है वह मास सिलेक्शन से ज़्यादा यूज़ किया जाता है ओनली इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल ओल्ड वेराइटीज़ आर डन थ्रू दिस मेथड कोई पुरानी लोकल वायटी को अगर हम इम्प्रूव करना है तो ही हम केवल मास सिलेक्शन का यूज़ करते हैं नहीं तो ज़्यादातर प्योर लाइन सिलेक्शन का यूज़ करते हैं जिसके कारण जो है प्रोजेनी टेस्ट भी सही रहे होमोजाइगोसिटी भी मेंटेन रहती है प्योर लाइन में इन सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द मास सेलेक्टेड वैरायटी दैन प्योर लाइन जब किसी भी सीड को सर्टिफाई किया जाता है तो मास सिलेक्शन में ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज कंपैरिजन टू प्योर लाइन दिस मेथड यूटिलाइजेस ओनली द वेरिएबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट इज डन ओनली थ्रू सिलेक्शन ये जो मेथड होता है यह खाली जो है वेरिएबिलिटी जो एग्जिस्ट होती है पॉपुलेशन में उसको शो करता है और इम्प्रूमेंट जो है सिलेक्शन के द्वारा ही हो सकता है इसलिए यह जो है लिमिटेशन है इसकी कि इट कैन नॉट जनरेट जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो इनके अंदर कोई भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होती जो पेरेंट्स में है वही ऑफस्प्रिंग में ही होती है लेकिन कोई वेरिएशन दिखाई नहीं देता है आज हमने पढ़ा मास सिलेक्शन नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे प्योर लाइन सिलेक्शन थैंक यू